दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब वैसे तो आप सब मुझे जानते ही हैं लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना तारुफ़ करा देता हूँ मेरा नाम हाफिज़ एडवोकेट मोहम्मद इब्राहिम हरबट है मैं मुंबई की बॉम्बे हाई कोर्ट और एन आई ए स्पेशल कोर्ट और महाराष्ट्र की अलग अलग कोर्ट्स में काम करता हूँ दो हज़ार दस में जब मैंने अपना हिफ़ मुकम्मल किया तो मेरे उस्ताद जो थे उन्होंने ये कहा कि तुमको मुसलमानों के लिए काम करना चाहिए और उसके बाद मुसलमानों के इंसाफ के लिए मैंने लॉ की तालीम हासिल की और उसी के बाद से मैं वो मुस्लिम बच्चे जिनको झूठे टेररिस्ट केसों में फंसा दिया जाता है उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता हूँ मैं फुल फ्लेश ख़ुद से ये काम करता हूँ और यकीन जानिए आज तक मुझे कभी भी इस बात का ना दुख हुआ और ना कभी डर हुआ कई बार लोगों ने मुझे जो है धमकियां दी कई तरीके से मुझे डराया गया मुझ पर कीचड़ उछाला गया लेकिन कसम खुदा की मुझे आज तक डर नहीं लगा लेकिन आज आज मुझे डर लगा है आज मैं बताता हूं आपको क्या हुआ दोस्तों मैं दरअसल परभनी के चार बच्चे हैं मुस्लिम बच्चे उनको एक झूठे केस में टेररिस्ट केस में फंसा दिया गया है उसके अंदर जो है अक्यूज़ नंबर दो मोहम्मद शाहिद खान उनके उनके जो है लिए मैंने कोर्ट में एक अर्जी लगाई है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुझे निकलवाने हैं क्योंकि उन उनको जो है लॉ लॉ की तालीम हासिल करना है उसके लिए हमने एक रिट पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई है और उसके लिए कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं मैंने एनआईए की स्पेशल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है जिसके डॉक्यूमेंट्स कल मुझे जो है मिलने वाले हैं इसके लिए मैं फिलहाल मुंबई में हूं और कल मुझे यहां पर रुकना है इसलिए मैं जो है अभी फिलहाल मुंबई में हूं हुआ यूं कि आज जुमा के दिन तकरीबन बारह से साढ़े बारह के दरमियान मुझे मेरे घर से फोन आया कि मेरी छोटी बहन की बेटी जो तकरीबन तीन से साढ़े तीन साल की है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है कहीं खो गई है मेरे भाई और मेरे घर के सारे लोग उसे ढूंढने लगे और तकरीबन दो घंटे के बाद हमको ऐसी न्यूज़ मिली कि मेरी हमारी जो बच्ची है वो जो है परभनी के कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर वहाँ पर है और आप जाकर वहाँ पर उसे ले सकते हैं मेरा जो छोटा भाई है जो फिलहाल पूना के लॉ कॉलेज से लॉ कर रहा है अब्दुलरहमान उससे घर वालों ने कहा कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और बच्ची को लेकर आओ वो पुलिस स्टेशन पहुंचा पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उसने देखा कि वो बच्ची वहां पर थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो रो रही थी जब उसने उसको जो है गोद में उठाना चाहा तो वो बच्ची डरी हुई थी पीछे हो गई तो उस पुलिस वाले ने कहा कि तुम इस बच्ची के कौन हो उसने कहा कि मैं उस लड़की का मा, मामा हूँ तो उसने कहा कि आप इसकी माँ को यहाँ पर बुलाइए मेरे भाई ने कहा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब ख़राब है और उसकी माँ यहाँ पर आ नहीं सकती और उसके फादर जो हैं वो हैदराबाद में है तो आप मुझे बच्ची दे दीजिए उसने कहा कि नहीं नहीं आप बच्ची को लेकर नहीं जा सकते हैं आप एक काम करिए किसी और को भी बुलाइए मेरे भाई ने अपने हमारे बड़े भाई को फ़ोन किया और मेरे भाई बड़े भाई जो है वो किसी काम में मसरूफ थे उनको पुलिस स्टेशन आने में तकरीबन आधा घंटा लग गया जब वो वहाँ पर आए तो मेरे भाई ने कहा कि सर मेरे बड़े भाई आ गए हैं हम दोनों वेरीफाई कर रहे हैं बच्ची को आप प्लीज़ हमको बच्ची दे दीजिए तो अब सुनिए उस पुलिस वाले ने क्या कहा उस पुलिस वाले ने कहा कि तुम मुसलमान 25-25 जिहादी पैदा कर देते हो और पैदा करके जो है सड़कों पे छोड़ देते हो उनको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है क्या जब तुम उनको संभाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो ये बात कही उसने मेरे भाई ने कहा कि सर आप क्या बोल रहे हैं आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं आपको इस तरह की भाषा का उपयोग करना और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना जो है ये शोभा नहीं देता है तो उसने कहा कि लांडे तू मुझे सिखाएगा कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं और यह कह के उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो है मेरे भाई के जो है चेहरे पे मारा मेरे भाई ने कहा कि सर मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूं और मैं अपने राइट्स जानता हूं आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं और उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला और उसको वीडियो को शूट करने लगा वो पुलिस वाला जो गालियां दे रहा था मेरे भाई को उसने फौरन वहां पर जो है दो और लोग खड़े हुए थे मैं नहीं जानता कि वो पुलिस वाले थे या आर के गुंडे थे वो सिविल ड्रेस में थे और उन्होंने लपक के मेरे भाई के ऊपर हमला किया मेरे भाई का मोबाइल ले लिया और वो पुलिस वाला घसीटते हुए अंदर वाले रूम में मेरे भाई को लेकर गया और उन तीनों ने मिलकर मेरे भाई को को मारा मारा पीटा और जो है उसको प्रेशराइज किया कि वो मोबाइल में जो वीडियो उसने लिया है वो फ़ौरन डिलीट करे जब मेरे भाई ने कहा कि मैं वो जो है वीडियो डिलीट नहीं करूंगा तो अब सुनिए उस पुलिस वाले ने क्या कहा उस पुलिस वाले ने कहा कि ज्यादा तू देरशानी करेगा तो मैं तेरा इंकाउंटर कर दूंगा साले मुल्ले तुम साले ऐसे कपड़े पहनते हो क्योंकि जुमा का दिन था मेरा भाई जो है आ, पठानी ड्रेस में था तो वो कहने लगा कि तुम पाकिस्तानी साले तुम तालिबानी हमारे देश में खाते हो और पाकिस्तान की और तालिबान की गाते हो सालो तुम्हारा तो इंकाउंटर होना चा, चाहिए और मैं तेरा इंकाउंटर करूँगा अगर तू वो वीडियो डिलीट नहीं करेगा मेरे भाई को उन्होंने मारा था मेरा भाई अनकॉन्शियस हो गया था लाम हला उसको वो वीडियो डिलीट करना पड़ा जब उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया तो उस पुलिस वाले ने मेरे भाई से जो है ब्लैंक पेपर्स पर पे दस्तखत करने के लिए कहा मेरे भाई ने कहा कि मैं ब्लैंक पेपर पर पे दस्तखत नहीं करूँगा तो उसने कहा कि चुपचाप से दस्तखत कर वरना मैं तुझे और तेरी पूरी फैमिली को को किसी आतंकवादी केस में डाल दूंगा और लाइफ टाइम के लिए तुम सड़ोगे या पता है ना कि वो चार कैसे बच्चों को डाला है अब तक वो वापस नहीं आए और वो कभी वापस नहीं आ सकते वैसे भी वैसे तेरे को डालूंगा और तेरा इंकाउंटर करने पे मेरे को मेडल मिलेगा अब तू सोच तेरे को करना क्या है लाम हला मेरे भाई को उसके ऊपर दस्तखत करने पड़े हमने वहाँ से वो वापस आया और उसको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है उसने उसके बाद मुझे फ़ोन किया मैंने कहा कि तुम्हें जो है इसकी कम्प्लेंट करनी चाहिए हमने उसकी कम्प्लेंट तैयार की क्योंकि ये मामला खुद पुलिस का है तो हम किसके पास जाएं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था तो हमने वो पुलिस वो कंप्लेंट जो है मेरे भाई ने बनाई उसके ऊपर दस्तखत किए और उसके बाद हमने एस को पर परभनी के एसपी को परभनी के कलेक्टर को डिविज़नल कमिश्नर औरंगाबाद को चीफ मिनिस्टर को होम मिनिस्टर को होम सेक्रेटरी को इन सबको हमने ईमेल करके ये कंप्लेन कर दी है अब मेरी जो है परभनी के एसपी से जो है गुजारिश है कि सर ये देश संविधान से चलेगा ये देश गुंडों से नहीं चलेगा आप अगर संविधान में मानते हैं आप अगर लॉ में मानते हैं तो फौरन मेरे भाई ने बताया है कि उसका नाम जो है लटपटे है आप फौरन लटपटे पे एक्शन लीजिए क्योंकि एक आदमी खुलेआम सरकारी जो है बंदूक लेकर सरकारी हथियार लेकर ऐसी मेंटालिटी के साथ सोसाइटी में घूम रहा है मैं नहीं जानता कि इससे पहले उसने कितने फेक इंकाउंटर किए हैं मैं नहीं जानता कि उसने कितने लोगों को मार दिया है मैं नहीं जानता कि उसने कितने लोगों के ऊपर ऐसे झूठे केसेस किए हैं क्योंकि पता लगाने पर मुझे पता चला है कि कुछ ही दिन पहले एक मुस्लिम लेडी के साथ भी उसने ऐसा ही किया उसके साथ बदतमीजी की उनके साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होने की वजह से उनको जो है बुरा भला कहा उनको गाली दी उस लेडी ने एसपी के पास आकर अपनी जो है ओरल कंप्लेन भी की लेकिन लटपटे के ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है अगर इसी तरह से चलता रहा तो इस लटपटे की जो है हिम्मत बढ़ जाएगी ये आज बोल रहा है ये खुलेआम जो है मुस्लिम नौजवानों को कतल कर सकता है मुस्लिम नौजवानों का फेक इंकाउंटर कर सकता है तो मेरी अब परभनी के कलेक्टर परभनी के जिम्मेदार और डिविजनल कमिश्नर से और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र से होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र से होम सेक्रेटरी से ये गुजारिश है कि फौरन इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाए और इस मामले को जो है संगीन से लिया जाए और मैं परभनी के मुसलमानों से और खास तौर पे वो लोग जो संविधान में भरोसा रखते हैं मैं उनसे सपोर्ट चाहता हूँ भाइयों आज तक मुझे बहुत सारे लोगों ने धमकियाँ दी लेकिन मैं कभी नहीं डरा लेकिन आज मैं डर गया हूँ आज आज मैं डर गया हूँ आज आज मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है प्लीज़ आप आज... प्लीज़ आप लोग एसपी से जाकर बात करिए मैं फिलहाल नहीं आ सकता हूँ परभनी मैं मजबूर हूँ मुझे उस बच्चे के लिए कोर्ट में जाना है आप प्लीज़ मेरे भाई से कांटेक्ट करिए और जो है मेरे भाई को एसपी के पास लेकर जाइए और एसपी को बोलिए कि फौरन उसको सस्पेंड करें वरना जो है आज मेरे भाई के साथ हुआ है क्योंकि मेरा भाई जो है एक लॉ स्टूडेंट है मैं लॉयर हूं इसलिए ये कंप्लेन कर रहा हूं पता नहीं कितने जो है इलिटरेट लोगों के साथ उसने जो है किया होगा और कर रहा होगा आप प्लीज फॉरन इसके ऊपर कॉग्निजेंस ली, लीजिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए शुक्रिया